बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ लिपिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। अ हेटरोजिनस ग्रुप ऑफ नॉन पोलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, दीज आर नोन एज लिपिड्स। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स के बारे में हमने स्टार्ट में देखा कि हेटरोजिनस का वर्ड यूज़ हुआ, इट्स मीन दैट इनके अंदर डाइवर्सिटी है, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स इनके साथ अटैच होने की वजह से ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन में, जब डिफरेंट कंपोनेंट्स या कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर जो है वो रिलेट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डिवीजन की, तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स जो हैं वो लिपिड्स की दो तरह से आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो फर्स्ट वन टाइप हमारे पास इसमें आती है डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और सेकंड टाइप हमारे पास आई थी डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। हम इसके अंदर इसकी बॉन्डिंग के भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ताकि हम इसकी क्लासिफिकेशन में फर्दर जो है वो किसी हमें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे जो चीज़ तीन डिफरेंस हमने यहाँ पे देखने, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। सेकेंड वन थिंग, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर ज्यादातर जो एनिमल्स फैट है, तो हम एग्जांपल्स में यहां पे साथ लिख देंगे एनिमल फैट, गोश्त के साथ आपने फैट चर्बी देखी होगी, तो वो ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही रहती है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे, फर्स्ट वन थिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह से हम अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तरफ आएँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स जो प्लांट्स ऑयल हैं, जैसे अब सोयाबीन है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इसके अलावा भी आपके जहन में कोई अगर प्लांट्स ऑयल जैसे जो सनफ्लावर ऑयल है, तो ये सारी के सारी एग्जांपल्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आएंगी। तो इनमें डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, और इसके अलावा रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, लिक्विड होंगे, और एग्जांपल्स में हमने क्या कहा, प्लांट सीड्स ऑयल। तो प्लांट सीड्स, जो प्लांट के सीड का जो ऑयल है, ज़्यादातर उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो लिपिड्स को हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं चार ग्रुप्स के अंदर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन थिंग, तो डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इसकी क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर लिपिड्स को हम फोर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल असाइल ग्लिसरोल्स, नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीज, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, और लास्ट वन हमारे पास आते हैं टर्पिनॉइड्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम जो है वो लिपिड्स के अंदर जो दो मेन थिंग्स हैं, एसिडिक ग्रुप है और ग्लाइसरोल ग्रुप है, उसकी बॉन्डिंग के ऊपर चलेंगे कि किस तरह से इसके अंदर एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है।
जी डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन देखी लिपिड्स को, हमने फोर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, वैक्सीज हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं और टर्पिनॉइड्स हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करते हैं एसाइल ग्लिसरॉल्स की। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल, ये दो चीजें मिलने की वजह से हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखी लिपिड्स की एसाइल ग्लिसरॉल्स के अंदर, तो ये दो चीजें होना लाजमी है हमारे पास। अभी हम एक बॉन्डिंग देखेंगे, एस्टर फॉर्मेशन देखेंगे कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल की फॉर्मेशन बॉन्डिंग किस तरह से होती है, किस तरह से ये आपस में मैचअप होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम फोकस करें तो फैटी एसिड्स, इसका मतलब यहाँ पे एक एसिड है और ग्लाइसरॉल, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो डोनेशन होगी, OH ग्रुप डोनेटेड बाय ग्लाइसरॉल एंड H हाइड्रोजन डोनेटेड बाय फैटी एसिड्स। हम इसको अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं तीन फैटी एसिड्स ड्रॉ कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनको देखेंगे। ये डियर स्टूडेंट्स थ्री फैटी एसिड्स हैं, अब हम यहां पे एक ग्लाइसरॉल का जो है वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल आ गया। ओके, अब हमने क्लासिफिकेशन में स्टार्ट में पढ़ा कि एसाइल ग्लिसरॉल्स के अंदर फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल होंगे, और हमने ये भी यहाँ पे एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर लिया कि जो एसिड्स हैं वो एच डोनेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर और ग्लाइसरॉल जो है वो OH ग्रुप डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने जो देखा कि एच ग्रुप हमारे पास आएगा फैटी एसिड्स थे, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये एक यहाँ पे, इसी तरह से ये एच ओ एच इसके यहाँ से और यहाँ से एच ओ एच इसके यहाँ से, तो इट्स मीन दैट हमारे पास थ्री एच टू ओ, तीन वाटर मॉलिक्यूल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाइड्रोक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल, चूंकि तीन फैटी एसिड्स थे और ग्लाइसरॉल में देखें हमारे पास तीन OH अवेलेबल थे, तो इन तीनों से हर एक से एक वाटर मॉलिक्यूल, एक और एक, यहाँ पे तीन वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्म हो गए। इसी तरह अगर हम इसको अब कन्वर्ट करें प्रोडक्ट के अंदर, तो ये बेटे हम इसको फॉर्मेशन के अंदर इसी जगह पर डिस्कस कर लेते हैं। इसी जगह से अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं तो ये हमारे पास ये H और OH ये रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से इसको रिमूव कर देंगे ओवरऑल और ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह ये वाटर मॉलिक्यूल एक यहाँ से निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट ये बेटे इस टाइम, अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये O ऑक्सीजन दरमियान में रह जाएगा, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है दिस इज एस्टर बॉन्ड। और एस्टर बॉन्ड किसके दरमियान हुआ? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के दरमियान। तो इस तरह से ये एस्टर फॉर्मेशन होती है और ये अब हमारे पास जो सिंपलेस्ट असाइल ग्लिसरॉल आ गया, जिसको बेटे हम बोलते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ये एक जो कंपोनेंट है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल बन गया ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जरा लिपिड्स की बात कर लें, लिपिड्स की यूजेज की, कि लिपिड्स हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम वैक्सीज, टर्पिनॉइड्स और फॉस्फोलिपिड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लिपिड्स से रिलेटेड जर्नल थिंग्स हैं, या हम इसके यूजेज की बात करें या इसके फंक्शंस की बात करें, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स,
स्टोर एनर्जी। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हुए हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लास्ट लेक्चर जो हमने खत्म किया था डियर स्टूडेंट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स का था, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ऑन द अदर हैंड प्रोटीन्स गिव्स अस 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स गिव्स अस 4 किलो कैलोरी एनर्जी, बट इन द केस ऑफ लिपिड्स डियर स्टूडेंट्स 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स गिव्स अस 9 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो लिपिड्स बॉन्ड के अंदर, एस्टर फॉर्मेशन के अंदर, एस्टर बॉन्ड के अंदर स्टोर होती है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ग्लाइकोलिपिड्स तो यहाँ तो हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। ग्लूकोज और प्रोटीन्स का मिलना कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, हमने हमें पता है ग्लाइकोलिपिड। लेकिन बेटे अगर यहाँ पे हम फोकस करें ग्लाइकोप्रोटीन से हमारा इस टॉपिक में कंसर्न नहीं। ग्लाइकोलिपिड्स में बेटे देखें ग्लूकोज और लिपिड्स जब ये मिल जाएंगे तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, तो ये बेटे डायरेक्टली अवेलेबल है हमें पता है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा हमें पता है मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो लिपोप्रोटीन्स, डियर स्टूडेंट्स जब लिपिड्स जब बेटे लिपिड्स और प्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में कंबाइन हो जाएंगी तो वो क्या बना देंगी, लिपोप्रोटीन्स। तो इस तरह से हम नेक्स्ट अगर एक लिपिड के जो है वो स्ट्रक्चर की बात करें, हमें पता है लिपिड बाय लेयर, तो हमें पता है जो डियर स्टूडेंट्स इसकी हेड एरिया होता है एक लिपिड का, वो हेड है जो हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टर है, और जो उसकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर रिपेलर है। तो इट्स मीन दैट वी नो वेरी वेल के मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सेमी परमिएबल, जो सेल मेम्ब्रेन है पर्टिकुलरली वो सेमी परमिएबल एक्ट करती है कि अलाउ सम मटेरियल्स टू गेट इनसाइड और अलाउ सम मटेरियल्स टू गो आउटसाइड, बट नॉट अलाउ टू ऑल मटेरियल्स टू कम इनसाइड द सेल और नॉट अलाउ टू ऑल मटेरियल्स टू गो आउटसाइड द सेल, बिकॉज वी नो वेरी वेल वी कॉल्ड सेल एज एन ओपन सिस्टम। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे मटेरियल सेल के अंदर नहीं आ सकते या सेल से बाहर, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो सेल की जो कंपोजिशन है, जो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन है, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी वजह से हम लिपिड्स को देखते हैं कि ये पर्टिकुलरली सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके बाद लास्ट में हम डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर एपिडर्मस के नीचे जो फैटी लेयर होती है, ये क्या करती है, ये इंसुलेशन का काम करती है। जो इंसुलेशन मतलब अगर हम देखते हैं कि सर्दियों के अंदर हमारी ब्लड वेजल जो है वो डीप चली जाती हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें अपनी ब्लड वेजल सरफेस के ऊपर नज़र आती हैं। वजह क्या है, डीप जाने का मकसद ऊपर फैटी लेयर आ जाती है ताकि जो इंटरनल मेटाबॉलिक हीट है, वी आर एंडोथर्म्स, तो हम अपनी इंटरनल हीट से ज़्यादातर अपने बॉडी टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज़ व्हाट 36.1 to 37.8 उस पर मेंटेन रखेंगे। इसके अंदर अगर कोई चेंज आएगी तो उसके ऊपर उसको बचाने के लिए मैक्सिमम हीट लॉस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है हीट, उसको भी रिजर्व करने के लिए हमारे पास फैटी एसिड जो फैटी लेयर है वो एपिडर्मस के नीचे अवेलेबल है जो कि इंसुलेट करती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल जो हमारे पास बाकी इसकी 3 टाइप्स रह गई हैं, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स, इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।